रात को पुलिस वाले बहुत परेशान यहाँ पे कर रहे थे, मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि हम यार अपने देश से बाहर आ गए हैं। अगर आप लोग बंगाल आना चाह रहे हैं तो स्पेशली वीडियो आपके लिए है। अगर आप मालिक का दूसरे किसी गाड़ी चला रहे हैं, आपके नाम से गाड़ी नहीं है। तो गाइस अभी हम नहाने आ चुके हैं पोखरा में, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू ब्लॉग में। फाइनली भाई साहब आपका भाई पहुंच चुका है बंगाल में। कल रात को हम लोग कोलकाता में गाड़ी खाली किए थे। कोलकाता गाड़ी खाली करने के बाद भाई न्यू टाउन से हम लोग निकल के आ चुके हैं कागदीप वाले रोड के लिए। हम लोग बढ़ रहे हैं अपने गाँव के तरफ, मतलब कागदीप। अभी हम लोग हैं बनगांव कुल्पी रोड पे। तो अभी अपना जो सफर बाकी है वो भाई 45 किलोमीटर बाकी है। पहले हम लोग पहुंचेंगे यहाँ से कागदीप, कागदीप से फिर हम लोगों को जाना है पाथौर प्रतिमा, जहाँ पे मेरा घर है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे और बंगाल में एंटर करते हैं। आप लोगों को पता ही है भाई, केला का पेड़, खजूर का पेड़, नारियल का पेड़ आप लोगों को भर भर के यहाँ देखने को मिलता है। ये देखो, तब क्या बोलते हो भाई, सफर को कंटिन्यू किया जाए। और बंगाल में बहुत सारा आपको पोखरा भी देखने को मिलेगा। पोखरा, हम लोग पोखरा में नहाएंगे भी। हमारे मामा के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे पोखरा है मामा जी का, वहाँ पे नहाएंगे हम लोग। एंड इस ब्लॉग कहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब मारो, आपके भाई का चैनल है। सब्सक्राइब मारने के बाद कमेंट करना है, कमेंट करके आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हो। और हाँ भाई, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक तो करना ही है यार। तो निकलते हैं भाई आगे। तो भाई गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और पोषण को हो गया सर्दी। सर्दी हो गया बंगाल भाई। अभी हम लोग जॉयनगर पहुंचने वाले हैं। जॉयनगर से फिर हम कागदीप के लिए मुड़ जाएंगे। तो टोटो वाले भैया टोटो बैक कर रहे हैं। जाओ भैया, पहले आप ही चले जाओ, उसके बाद हम चले जाएंगे। इधर का रोड ना थोड़ा सिंगल है और कल रात को हम लोग न्यू टाउन से निकले थे, क्योंकि अगर न्यू टाउन से नहीं निकलते तो गाइस हम लोग नो एंट्री में भी फंस जाते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पे नो एंट्री अभी पेपर चल रहा है बच्चों का, उसके वजह से यहाँ का सरकार का नियम है कि भाई सुबह 6 बजे के बाद बड़ी गाड़ी सिटी में अलाउ नहीं है, उसके पहले ही आपको सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई बिष्णुपुर चौराहा पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम कागदीप के लिए इधर मुड़ जाएंगे। और काफी सारा यहाँ पे बस भी लगा हुआ है। ये देखो कागदीप का नंबर है 97WB 97, बस का नंबर है 97, कागदीप का नंबर होता है भाई। आगे तो बढ़ ही रहे, एक बार भगवान का नाम हो जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये देख रहे भाई, बच्चा बैठा है बीच में और बगल में केला का कंदी रखा हुआ है, क्योंकि भाई सब्जी बनेगा केला का। और एकदम मस्त जा रही है लोग ठेला पे बैठ के। एक्चुअली इसको ठेला नहीं कहते, इसको कहते हैं मशीन वैन। तुमको तुम्हारे यहाँ क्या बोलता है? बुटबुटी। बुटबुटी। और हमारे यहाँ कहता है मशीन वैन, क्योंकि वैन के ऊपर मशीन लगा दिया गया तो मशीन वैन बोला जाता है। ठीक है, मानते हैं कि ये गलत काम है, लेकिन भाई अगला आदमी पेट के लिए कर रहा है, इसको हम कुछ कमेंटबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ भी हो यार, गरीब है, रिक्शा वाला है, तो आप ये सोचो कि फिर भी अच्छे तरीके से कपड़ा बांधा हुआ है ताकि दूसरे को दिखे कि हम गलत काम कर रहे हैं यार, ठोकना मत पीछे से, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये देखो, लगता है यहाँ पे मेला लगा हुआ था, पूरा मार्ट में पूरा भरा हुआ है दुकान। अभी जो मेरा गंगा सागर का ट्रिप चल रहा है, इस ट्रिप में आप लोगों को पता है क्या क्या दिखाने वाले हैं? गंगा सागर दिखाने वाले हैं। वहां पे हम कोशिश करेंगे जाके नहाने का, ठीक है? क्योंकि एक कहावत है वहाँ का, वो आपको वहाँ पहुँच के उस वीडियो में बताएंगे जब वीडियो वहाँ पे शूट होगा। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मामा का घर में, वहाँ पे जाएंगे, अपने गांव दिखाएंगे कहाँ पे हम पैदा हुए थे, पूरा गांव घुमाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। एक मेरा लोडिंग भी है, ठीक है? लोडिंग करके फिर हमको आना है। कहाँ आना है वो आपको अपडेट पता चलता रहेगा भाई, इतना जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताते रहेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा 6-7 दिन का यहाँ पे पूरा ट्रिप होने वाला है। इस कल रात को हम लोगों को बहुत बुरा लगा, हमें और पोषण को, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वेस्ट बंगाल हम आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, हमें प्राउड फील होता है कि यार अपने गांव हम आ गए हैं। लेकिन कल रात को पुलिस वाले बहुत परेशान यहां पे कर रहे थे, मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि हम यार अपने देश से बाहर आ गए हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हम पिकअप खरीद के, एक गाड़ी वालों के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मतलब आप ये समझिए कि नो एंट्री खुलने के बाद भी हर एक जगह से नो एंट्री लगा दिया गया है। रात को 3 बजे 4 बजे गाड़ी इधर नहीं जाएगा उधर जाएगा, धमकी दिया जा रहा है। एक पुलिस वाला तो हमारे साथ गाइड था, गाइड ने बोला कि अरे सीधा तो रास्ता खुला होता है, उसको पता है गाइड को, बोला नहीं तुम हमको ताव से बोल दियो तुम्हारा गाड़ी नहीं जाएगा, हम चाहेंगे तुम्हारा गाड़ी ऐसे ही गोल चक्कर घुमवाते रहेंगे।
तो ऐसा ना किया जाए भाई, रिक्वेस्ट है जितने भी पुलिस वाले देख रहे हैं, बहुत इज्जत करते हैं भाई आप लोगों का, तो ऐसा ना करेंगे तो हम लोग को तकलीफ होगा ना, क्योंकि भाई हम लोग इतना दूर दूर से आते हैं गाड़ी लेके, आप ही लोग के भरोसे आते हैं, तो अगर बाहर के गाड़ी वालों को ऐसे ही परेशान करेंगे तो बहुत तकलीफ होगा। और हर पुलिस वाले ऐसा नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ पुलिस वाले ऐसा कर रहे थे, बहुत तकलीफ हो रहा था गाइस। अगर आप लोग बंगाल आना चाह रहे हैं तो स्पेशली वीडियो आपके लिए है। अगर आप मालिक का दूसरे किसी गाड़ी चला रहे हैं, आपके नाम से गाड़ी नहीं है, तो आप ऑथराइज लेटर बनवा लीजिए। अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करिए हैवी लाइसेंस लाएं, ठीक है, सीट बेल्ट लगा के रखिए, नहीं तो हर एक चीज पे चलाने भाई यहाँ पे, ठीक है। और सामने पिकअप है, बाहर का नंबर, तो बम्पर नहीं लगना चाहिए। हमारे गाड़ी का जब शुरुआत बम्पर लगाया तो चलान काटा नहीं गया था, उसमें हम कुछ पैसा देकर छोड़ के चले गए थे, फिर गए बनारस में खुलवा दिए थे बम्पर को। लेकिन यहाँ का लोकल गाड़ियाँ बम्पर लगा के चला रहा है, पता नहीं वो चीज़ें पुलिस वालों को नहीं दिखता है। बाहर का गाड़ी आएगा अगर बम्पर लगा है तो उस पर चलान, अगर कहीं अलग जगह पे हेडलैम्प लगा के रखा है, फॉग लाइट लगा दिया है तो उस पर चलान, हर एक चीज़ों पे भाई। तो ये सब चीज़ें एकदम सादा गाड़ी रख के, ज़्यादा आप लोग गाड़ी में ताम झाम ना कराएं, तो ये चीज़ आप सेव करके रख लीजिए वीडियो ब्लॉग का ब्लॉग को, तो ऐसे ही नहीं तो आप फंस जाएंगे बंगाल में आने के बाद, हर एक चीज़ पे आपको चलान काट दिया जाएगा। बाकी अगर आपके नाम से गाड़ी है, अगर आप खुद चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आपके नाम से लाइसेंस है, जो नंबर प्लेट पे आपका नाम है, मतलब आरसी में जो आपका नाम है, जैसे हमारा बुद्धदेव मायती है तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है बुद्धदेव मायती है, तो चेक करके छोड़ देते हैं। ये सिंगल रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पे भी दो तीन पुलिस वाले, हमको बहुत अच्छा मिला, गाड़ी चेक करके छोड़ दिया, एक भी कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा होना चाहिए पुलिस वाला। आप लोग को यहाँ का लोकल रिक्शा दिखाते हैं किस तरीके से गाँव के लोग ट्रेवल करते हैं यहाँ पे। तो भाई देख सकते हैं सामने कुछ लड़कियां बैठा है, तो लोकल यहाँ पे गांव में जो ट्रेवल का सार सुविधा है तो ऐसा ही है यहाँ पे। और ये भाई यहाँ का लोकल मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अभी कुल्फी पहुंच चुके हैं, बस हम लोग कुल्फी से 25 किलोमीटर दूर है, तो ये जो रोड है सीधा जाएगा, मतलब कुल्फी से 25 किलोमीटर दूर नहीं है, कुल्फी पहुंच गए, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर काकदीप है, तो यह है कुल्फी मार्केट। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं पे गंगा सागर, गंगा सागर 36 किलोमीटर भाई, गंगा सागर जाना है आप लोगों को लेकर घुमाने के, तो गंगा सागर जाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला गेट बना है, सीधा ये जो रोड है ये गंगा सागर चला जाएगा यहाँ से। बाकी अभी काकदीप 3.5 किलोमीटर बाकी है। और ये देखो भाई वॉल्वो गाड़ी इधर भी चल रहा है, लिखा है कोलकाता, तो कोलकाता ये शायद जा रहा होगा। हाँ जी भाई पहुंच चुके हम लोग काकदीप मेन मार्केट के पास में, अब हम लोग अपने गांव जाएंगे, यहां से हमारे गांव का नाम है पाथोर प्रतिमा सीमा बाजार। पाथोर प्रतिमा में हमारा मामा जी का घर है, पाथोर प्रतिमा से 2 किलोमीटर पहले सीमा बाजार मार्केट पड़ता है, और हमारा जो घर है वो पड़ता है बोंकी मायती घाट, बोंकी मायती हमारे दादाजी थे उन्हीं के नाम से वो घाट को रखा गया है, क्योंकि हम लोग का पूरा जो जमीन है वो समुन्दर में चला गया है, बहुत जमीन, इसीलिए सरकार ने हमारे दादाजी के नाम से उस घाट को रखा है, तो हमारे दादाजी का नाम है बोंकी मायती। तो ये मेन काकदीप चौरा, हमें इधर जाना है तो इधर घूम जाते हैं भाई, ये जाएगा पाथोर प्रतिमा के लिए। तो भाई घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हमारे कुछ भाई लोग मिले यहाँ पे, और आसनसोल का गाड़ी है। अच्छा खाली उधर साथ लोड करने के लिए, खाली खाली गाड़ी लेकर कहाँ जाओगे अभी? गया जाओगे। तो भाई की गाड़ी में देखो करेला लोड है, करेली बहुत पहले ही से यहाँ चालू हो जाता है निकलना, और देखो ये देखो ये भाई यहाँ का करेली, और भाई लोग अभी जा रहे हैं गया के लिए। गया जा रहे हो भाई? चलो कब तक पहुँच जाओगे भाई? अभी तो नो एंट्री रहता है ना, कि निकल जाएगा। चलो फिर ठीक है, आराम से निकलो आप लोग भी। हम थोड़ा सा यार गलत आ गए थे, क्योंकि हमको आगे से पीछे से ही मुड़ना था, और हम नामकाना की तरफ जा रहे थे आगे, इधर नामकाना पड़ता है, और हमारे घर के लिए मुड़ना था उधर ही से। तो चलो भाई निकलते हैं, चलो ठीक है। तो पाथोर प्रतिमा का रास्ता भूल के चले गए थे आगे, अब पूछना पड़ेगा यही रोड हमको जाएगा। दादा पाथोर प्रतिमा जाबो एटा? तो गाइस मिल गया अपने गाँव का रास्ता, ये रहा भाई हमारे गाँव का कुछ व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा खाली खाली सा रहता है, बहुत ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होता है, पोखरा में मछली पालन बहुत होता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा दिन तो अपने गांव में रहने का मन नहीं करता है, मतलब मन लगता ही नहीं है, क्योंकि वो बचपन था
जो कि हमारे बहुत सारे मित्र हुआ करते थे, आज तो शायद एक भी नहीं रहता है अपने गांव में, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। तो बचपन बचपन होता है गाइस, अभी तो काम धंधा पे बनारस में ही रह लिए, बनारस में शादी कर लिए, बनारस में घर परिवार सब कुछ बनारस में बनाना चाह रहे हैं और बन भी चुका है ऑलमोस्ट आप लोगों के आशीर्वाद से। तो अभी यहाँ पे आते हैं, बस 4 से 5 दिन बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद पता है कैसा लगता है, लगता है कि यार कोई यहाँ पे अपना नहीं है, लेकिन जब आते हैं 4-5 दिन गुजारते हैं तो लगता है कि यार सब कुछ अपना है। हमारा घर अभी यहाँ से बचा सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर। हम लोग अभी वो जगह पे पहुँच चुके हैं जिस जगह को देखने के लिए हम तरह जाया करते थे कभी, मतलब जब बचपन में हम लोग गांव से आते थे पैदल पैदल। ये जो आप पसंद एक बार जल्दी दिखाना, ये जो आप गंगा जी देख रहे हैं ये एक्चुअली समुंदर से कनेक्टिविटी है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जुआर भाटा होता है, जुआर का मतलब पानी ज़्यादा हो जाएगा, भाटा का मतलब पानी कम हो जाएगा, तो ये समुंदर का ही पानी है। एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए समुंदर में भी जुआर है तो जुआर आ गया पानी, भाटा हो जाएगा तो पानी पूरा नीचे चला जाएगा। तो बता दें अभी पहले ना हम लोग का गाँव मैप में भी नहीं था, तो ये जब पुल बन गया, पुल बन के रेडी हो गया, तब हमारे गांव में गाड़ी भी जा सकता है, हमारे गांव में हर एक चीज़ का सुविधा है। लेकिन पहले ये सब सुविधा नहीं था क्योंकि मैप में ही नहीं आता था यार, पूरा पूरा टापू था, टापू बोला जाता था। हम लोग एक टापू से निकल के बनारस जैसे जगह में पहुंच गए। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। बहुत इमोशनल हो रहा है गाइस यहाँ पे आने के बाद, बचपन याद आ गया अपना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें। तो अभी हम लोग पार कर रहे हैं अपना वाला जो टापू वाला पुल था उसको, क्योंकि हमारा गांव पहले टापू था, ये ब्रिज बनने के बाद तो हमारे गांव का लोगों का मानो एकदम किस्मत ही एकदम बहुत अच्छा हो गया है, किस्मत खुल गया ये कह सकते हो, हम लोगों का खुद किस्मत खुल गया कि अपना हम काशी एक्सप्रेस को लेके अपने गांव में स्वयं आ जा रहे हैं। पहले ये सब रोड बहुत छोटा था, बहुत ख़राब था, लेकिन अभी बहुत कुछ अच्छा हमारे गाँव में भी हो गया है। तो ये हमारा खूबसूरत सा गांव, अब जाके हम लोग अपने गांव के अंदर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर गए हैं ब्रिज को क्रॉस करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं बंगाली में और इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना भाई वीडियो को रोक के। भाई यार अपने गांव का रोड कितना सुंदर हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रोड भी अपने गाँव का कभी होगा। तो ये देखिए रोड, तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने मामा जी के घर सीमा बाजार। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा नहाएंगे पोखरा में, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी शाम को भी बहुत सारा काम है। इधर हमारे मामी जी और इधर हमारे मामा जी का लड़का हमारे भैया देख लीजिए अभी आ गए सब यहाँ पे। तो फाइनली मामा जी के घर पर हम लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे, बगल में पोखरा देख सकते हैं, काफ़ी दिनों बाद अच्छा लगेगा पोखरा में। और आप लोग पूछते हो भाई आपका गाँव कहाँ है, तो भाई हमारा गाँव यही है और हम अपने गांव में भी जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा पिताजी का घर है जहाँ पे मतलब हम लोग जन्म हुए हैं, जहाँ पे हमारा जन्म स्थान कह सकते हो। और यहाँ पे देखो पूरा नारियल का पेड़ भी है काफ़ी सारा। तो चलिए अभी फटाफट करके नहा धो के तैयार हो जाते हैं। तो गाइस अभी हम नहाने आ चुके हैं पोखरा में, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमारा गोप्रो खराब हो गया है, नहीं तो आपको अंदर का मछली भी दिखाता नहाते टाइम। और पोषण अभी नहाने वाला है, पोषण तैयार हो? हाँ हाँ जल्दी आओ तो कूदो फटाफट तो भाई कैसा लग रहा है? भाई पानी बहुत ठंडा है लेकिन भाई अपना देसी स्विमिंग पूल बहुत मजा आ रहा है। तो भाई नहाने धोने के बाद अपना खाना लग चुका है यहाँ पे। तो खाना में आप लोग को बताइए भाई बंगाल में बिना मछली का खाना नहीं होता तो यहाँ पे मछली का खट्टा बना है और यहाँ पे आलू भुजिया है और ये मछली का कुछ झाल है। तो चलिए खाते हैं, कैसा पसंद टेस्ट है? चलो खाने के बाद फिर हम लोग आराम करने वाले हैं। भाई यार सो गए तो सो ही रह गए थे, मतलब अभी 6 बज गया शाम का, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट मामी की दुकान पर, मामा जी की दुकान पर चाय पीने के लिए। तो अभी थोड़ा मुँह में पानी मारते हैं और जाते हैं दुकान पे। गाइस गुड मॉर्निंग, हो चुका है सुबह, तो हम लोगों ने फ्रेश रेस हो लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का साफ करने सफाई करने के लिए। कल रात को सो गए थे, सो के उठा तो भाई 6 बज गया, तो आप लोगों को बोला कि उठा तो उसके बाद गए चाय पीने के लिए, फिर हम लोग मार्केट, बहुत सारा काम था जो कि आप लोगों को दिखा नहीं पाए। तो कोई नहीं अभी हो चुका है सुबह का टाइम और व्यू चेक करो भाई गाँव का, ये अपना पोखरा है
और यहाँ पे है बहुत सारे नारियल के पेड़, और गाड़ी गाइस वहाँ पे लगा हुआ है, तो गाड़ी को वहाँ से लेके आना है, इधर ही लगाना है गाड़ी का, पहले अच्छे सफाई करेंगे। अभी जाना है हमको अपने घर पे, मतलब वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, बोंकिम माइती घाट, तो कुछ देर में निकलेंगे, पहले गाड़ी का सफाई करेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस गाड़ी का भी सफाई हो चुका है चालू अपना, और एक चीज दिखाते हैं आपको पीछे, देखो ये देखो सांड के ऊपर बैठा है कौवा भाई साहब। यहाँ पे ना बहुत सारा सीन चलते रहता है गांव में, जो कि आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कल के ब्लॉग में अपना गांव भी दिखाएंगे, समुंदर के किनारे कहाँ पे हमारा घर है जो आपको बताया करते थे, करोड़ों का मेरा प्रॉपर्टी है जो मेरे पिताजी ने बेच दिया, उसके वजह से हमको बनारस आना पड़ा, वो सब कुछ आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। सो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अभी गाड़ी का सफाई करने के बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए, हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में।